वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीएस देखो और सीखो चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं पिक्सेल लैब से इस तरह का थंबनेल और इस तरह का थंबनेल कैसे बनाते हैं। मेरे चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप पिक्सेल लैब को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर में देखिए थ्री डॉट दिखा रहा है, यहाँ एक बार क्लिक करना है आपको और देखिए इमेज साइज सेलेक्ट करना है। कस्टम में जाके यूट्यूब थंबनेल क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है, हो गया। उसके बाद बीच वाला टेक्स्ट को ऊपर में जाके डिलीट बटन है, यहाँ पर जाके डिलीट कर देना है, ये वाला काम हो गया। उसके बाद देखिए ऊपर में प्लस है, उसके बाद फ्रॉम गैलरी में जाएंगे, यहाँ से आपको एक फ़ोटो ले लेना है जैसे आप बैनर बनाना चाहते हैं उस फोटो को ऐड करना है। मैं कोई भी सिंपल आप लोगों को दिखाने के लिए तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ओके करेंगे और इसको इस तरह से बड़ा कर लेंगे और इसको साइड में इस तरह से इसको रख देंगे, हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीच में ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर शेप का ऑप्शन है, इसमें एक बार क्लिक करना है और इसको इस तरह से बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद इधर ओके कर देना है, उसके बाद यहाँ पर पकड़ के इसको इस तरह से तिरछा कर देना है, हो गया। उसके बाद लेयर में जाके दोनों को लॉक कर देना है। उसके बाद टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट में दबाएंगे और टेक्स्ट लिखना है। मैं लिखूंगा YouTube और इधर इसको कलर कर देना है, यहां से जाके कलर करूंगा मैं रेड और इधर फॉन्ट में जाके इसको चेंज कर देंगे ये वाला और इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा, इतना बड़ा, और यहाँ पर रख दूंगा। उसके बाद इसी को कॉपी करेंगे और फिर डबल क्लिक करके यहाँ पर लिखेंगे चैनल चैनल और इसको भी नीचे लगा देंगे, इसको अलग कलर कर देंगे। आप लोग कैसे भी कर सकते हैं कलर, मैं इसे ही आप लोगों को। उसके बाद हो गया यूट्यूब चैनल। उसके बाद दोनों में स्टिकर टाइप का किस तरह से बनाते हैं आप लोग, मेन बात वही है किस तरह से लगाएंगे आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले बीच वाला ऑप्शन में दबाने से देखिए यहाँ पर पेंसिल का एक आइकन दिखा रहा, देखिए यहाँ पर ड्रॉ है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कोई भी एक कलर ले लेना है, तो मैं ये वाला लेता हूँ और अंगली से इस तरह आप लोगों को घिसना है, जितना बड़ा बनाना है जैसे डिजाइन बनाना है आराम से इस तरह से घिस लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। देखिए मैं घिस रहा हूँ, बना रहा हूँ, इस तरह से आपको जैसे बनाना है बना लीजिएगा, हो गया। मैं इतना ही बनाऊँगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर ओके कर दीजिएगा, हो गया। इसको अभी स्ट्रोक मार देना है, ओपन कर देंगे ब्लैक वाला स्ट्रोक, हो गया। इधर इसको और शेडो भी लगा देना है, शेडो को थोड़ा ऑफसेट एक्स करके इस तरह से घसका देना है, ऑफसेट वाई करके इस तरह से घसका देना है, तब पूरा शेडो लगेगा। देखिए हो गया। इसको अभी क्या करेंगे, स्टिकर को यहाँ पर लगाएंगे इसका, तो टेक्स्ट तो नीचे चल जा रहा, इसको क्या करेंगे फॉन्ट करेंगे, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। इसको फॉन्ट में लाएंगे, देखिए ऊपर चढ़ गया, अभी इसको यहाँ रख देंगे और फॉन्ट को बीच में लगा देंगे। फॉन्ट को भी थोड़ा कंट्रास्ट मार देते हैं, सॉरी स्ट्रोक मार देते हैं व्हाइट वाला, तो अच्छा लगेगा इस तरह से। फिर दूसरा स्टिकर लगाना है, आप यहाँ से ड्रॉ करके बना भी सकते हैं अलग से, और नहीं तो मैं इसी को कॉपी करके
कर लूँगा। इसी को कॉपी करने से हो गया, कॉपी दबाने से, फिर इसको भी इसी तरह से फ्रंट में लाएंगे और इसको यहाँ पर चढ़ा देंगे। इस तरह से आप लोग कीजिएगा, इसको भी कंट्रास्ट मार देंगे, सॉरी स्ट्रोक, इसको भी व्हाइट कर देंगे। हो गया यूट्यूब चैनल। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। और ओके कर दूंगा और इसको भी फॉन्ट, ठीक है फॉन्ट सिर्फ बोल्ड कर दूंगा और कलर कर दूंगा। बोल्ड कर दिया हूँ और कलर कर देना है सिर्फ, हो गया। इसको बड़ा करना है इस तरह से, बड़ा नीचे में, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद एक लोगो दे दूंगा मैं, अच्छा लगेगा। मैं इसे आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप लोग अच्छा से बनाइएगा। यहाँ से मेरा एक लोगो है, ये वाला लोगो है, इसको ओके करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इस तरह से आप लोग बनाइएगा। मेन पॉइंट है स्टिकर किस टाइप का बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव कर दीजिएगा, देखिए ऊपर में जाएंगे और सेव एज इमेज, उसके बाद राइट करके अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी, हो गया, इतना हो गया। अभी आपको गैलरी में जाके दिखाते हैं, देखिए हो गया, इस तरह से बन गया। अभी फ्रेंड्स देखिए मेरा फोटो थोड़ा काला काला दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा, गोरा नहीं दिख रहा, इसको गोरा कैसे करेंगे, इसके लिए मैं करता हूँ, इधर देखिए शेयर में जाके स्नैपसीड में जाता हूँ। स्नैपसीड में जाने के बाद टूल्स में जाता हूँ, टूल्स में जाने के बाद देखिए सेलेक्टिव में जाता हूँ और जाने के बाद यहाँ पर इस तरह क्लिक कर देता हूँ और इसको इस तरह से करता हूँ और इस तरह सेटिंग कर लेता हूँ फ्रेंड्स अंगली के सहारे से। देखिए अभी गोरा हो गया। उसके बाद ऊपर में देखिए डन है, बस सेव हो गया। अभी देखिए पहले का फोटो और अभी का फोटो, देखिए ये वाला अभी गोरा किए, ठीक है, और एक तो है ये वाला, देखिए छाया छाया लग रहा है। तो इस तरह से बनाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी है, आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।